नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सेक्टर्स के बारे में जिसमें आपको आने वाले समय में काफी तेजी देखने मिलेगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे आ रहा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उसके शेयर के प्राइस में आपको काफी तेजी देखने मिलेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ चुका है, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे बैटरी सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी का, तो बैटरी बनाने वाली जो भी कंपनी है उसे काफी बेनिफिट्स होगा, काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, काफी ज्यादा सेल्स होगा और काफी ज्यादा प्रॉफिट मेक करेगी। तो सारा का सारा बेनिफिट किसको होगा? उस कंपनी के शेयर होल्डर को। तो जिस तरह से आपने देखा अभी आईटी सेक्टर जो है काफी बूम कर रहा है, आईटी सेक्टर की कंपनियां काफी ज्यादा मतलब प्रॉफिट मेक कर रही इस पैंडेमिक आने के बावजूद, क्योंकि उसका बिजनेस जो है काफी कम प्रभावित हुआ है, तो उसके शेयर में आपको काफी तेजी देखने मिल रहा है। उसी तरह जो कंपनियां प्रॉफिट बनाएगी, जिसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, उस वो कंपनी के शेयर जो है आपको काफी तेजी देखने मिलेगा। तो जैसे न्यूज आया कि टेस्ला भारत आ रही है, मतलब इंडिया आ रही है टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के, तो उस तरह से एक जो बैटरी वाले शेयर है उसमें काफी तेजी देखने मिला। तो आज हम आपको इस वीडियो में चार बैटरी शेयर्स बता रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने पर काफी ज्यादा प्रॉफिट मेक करेगी और काफी ज्यादा आपको इसमें प्रॉफिट होने वाला है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है। तो दोस्तों, पहला जो कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री, ये बैटरी बनाने वाली कंपनी है। अगर मैक्सिमम की चार्ट की बात करें तो चार्ट देखना है कितना सॉलिड है। तो जब भी आपको गिरावट मिलता है तो बाय ऑन डिप्स करना है, क्योंकि चार्ट देखना है काफी सॉलिड है। अगर रिटर्न की बात करें लॉन्ग टर्म में तो काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, यहां पर देख लीजिए। अगर हम बात करें 2021 से लेकर के 2018 तक में 12,000% का रिटर्न दिया है, तो दोस्तों काफी बेहतरीन है। और इस कंपनी का शेयर देखते काफी कम हुआ करता था, लेकिन अभी कंपनी का शेयर काफी महंगा है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज नहीं हो रहा था तो बैटरी का डिमांड इतना ज्यादा था कि इस शेयर के प्राइस में काफी मोमेंटम देखने मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार दिख रहा है, देखिए 2.35% का डिविडेंड यील्ड है। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगी तो काफी डिमांड बढ़ेगा इस प्रोडक्ट का, मतलब बैटरी का, तो कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिट मेक करेगी क्योंकि सेल्स काफी इंक्रीज होगा। तो ये स्टॉक्स आपको गिरावट मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। और इसके थोड़े से फंडामेंटल्स आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ कंपनी है जिसका शेयर काफी प्लेस्ड है और प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी कम है, जैसे इवरडेडी शेयर, इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी कम है, आपको मात्र 7% के आसपास, 8% के आसपास दिखेगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो इंडसइंड बैंक है उसका भी 7% स्टेक है, क्योंकि जो शेयर प्लेस किया गया था वो एक्वायर कर चुका है इंडसइंड बैंक, तो वो भी स्टेक आप प्रमोटर्स की तरह ले सकते हैं कि अगर इंडसइंड बैंक और ज्यादा स्टेक बढ़ाता है तो प्रमोटर्स कौन बन जाएगा? इंडसइंड बैंक। एवरडी इंडस्ट्री का प्रमोटर्स का स्टेक जो काफी कम है, लेकिन इसमें डीआईएच का स्टेक देखेंगे काफी अधिक है, क्योंकि जो शेयर प्लेस किया गया था वो एक्वायर कर लिया गया बैंक के द्वारा। तो जो इवरडी इंडस्ट्रीज है इसका भी सेल्स आने वाले समय में काफी इंक्रीज होने वाला है, तो अब कंपनी के काफी अच्छे दिन आ रहे हैं, कंपनी अच्छा खासा सेल्स इंक्रीज होगा कंपनी का जो भी बैटरी बनाने वाली कंपनी है। साथ ही साथ जब कंपनी का सेल्स इंक्रीज होगा तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाएगी, तो यहां पर देखना है वो सारा चीज, जस्ट मतलब आत्मनिर्भर भारत, बायकॉट चाइना प्रोजेक्ट बात कर रहे हैं, तो ये सारा बेनिफिट्स इस सारी कंपनियों को मिलने वाला है। तो यहां पर देखते हैं कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 50 रुपीज के आसपास हुआ करता था, वहां से शेयर प्राइस 4 टाइम्स हो चुका है, 342% का रिटर्न दे चुका है जो है मात्र कुछ ही दिनों में, सितंबर से लेकर दिसंबर तक में, जब से न्यूज आया कि इसका इंडसइंड बैंक शेयर एक्वायर कर लिया, मतलब शेयर जो प्लेस था वो डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से काफी ज्यादा मतलब कंपनी में तेजी देखने मिला, और जो आने वाला समय है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, और जो आने वाला समय है वो व्हीकल का है, तो वो भी काफी पॉजिटिव न्यूज है बैटरी से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उसके लिए। उसके बाद जो अगला शेयर है हमारा बैटरी से रिलेटेड वो है HPL पावर सिस्टम लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन शेयर है, और इस देख सकते हैं कि इधर काफी तेजी देखने मिला है, ये देख सकते हैं किस तरह से लगातार ये आकाश को चूमते हुए जा रहा है ये शेयर, और लगातार तेजी, पिछले दिन इसमें 20% का तेजी था, तो काफी तेजी आया है जब से न्यूज आया है कि टेस्ला जो है भारत में ला रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तब से काफी ज्यादा मतलब बैटरी वाले शेयर्स में काफी तेजी देखने मिला है। उससे पहले अभी देखते हैं ये 41 रुपीज का है, और यहाँ पर मात्र ये शेयर 10 रुपीज का हुआ करता था अगर आप गिरावट में बाय किए होते। तो ये सारे शेयर जब गिरावट मिलता है तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। इस सेक्टर से आपको कम से कम 2 स्टॉक चुनना है, क्योंकि हो सकता है उसके कॉम्पिटेटर, आप जो स्टॉक चुनते हैं उसके कॉम्पिटेटर को ज्यादा सेल्स मिले तो आप उसका बेनिफिट ले सकें, इसलिए कम से कम 2 जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद चौथा जो स्टॉक है
वो है अमर राजा बैटरी, ये भी काफी बेहतरीन शेयर है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते ओपन हुआ है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखेगा तो 2001 से देख सकते हैं 27,000% का रिटर्न, 2001 से 2016 तक में 27,000% का रिटर्न, साथ साथ डिविडेंड देख लीजिए 1.19% का डिविडेंड। तो दोस्तों इस तरह का बेहतरीन रिटर्न आपको बैटरी वाले स्टॉक्स में मिला, और वो तब मिला जब बैटरी का कोई खास डिमांड नहीं था मार्केट में। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी तो जो पेट्रोल डीजल का डिमांड देखते इतना ज़्यादा है, उतना ही डिमांड बैटरी का बढ़ने वाला है। तो जब इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा तो इसकी कंपनियां काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, क्योंकि अभी जो कंपनी देखे एवर रेडी प्रॉफिटेबल नहीं थी कंपनी, कंपनी को अपना मतलब बिजनेस चलाने के लिए शेयर को प्लीज करना पड़ा। तो जैसे मतलब इसका सेल्स बढ़ता है कंपनियों का तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा, शेयर होल्डर को। सारे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, और जब भी गिरावट में मिलता है आपको इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे के प्राइस मिलता है आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको एक्चुअल में बेनिफिट्स होता है इन्वेस्टमेंट का। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।